नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में मैं ऐसी सूचनाओं के साथ उपस्थित हूं जो आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है एवं विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, वेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, यहां पर यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। तो जो पहली खबर है वह उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जल्द भर्ती शुरू करेगा उच्चतर शिक्षा आयोग। यहाँ दोस्तों, प्रदेश की सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। रिक्तियों की संख्या 4000 के आसपास होने की संभावना है। यह भर्तियां उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के माध्यम से होंगी। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि पिछले एक साल से कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन पेपर में ना आए कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रही है, आ रही है, आ रही है। छात्र इसका इंतजार कर रहे हैं, एक साल का पूरा समय पूरा हो गया है, सिर्फ पेपरबाजी होती है। हिंदुस्तान में, अमर उजाला में, दैनिक जागरण में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है और पूरी हो जाती है, लेकिन छात्र जो नेट जेआरएफ पीएचडी होल्डर हैं या फिर तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ही बेसब्री से इस भर्ती का इंतजार है। अब देखते हैं कि यह भर्ती कब तक आ रही है। वैसे तो उम्मीद है कि कितना भी लेट लतीफ करेंगे, जब चुनाव आ रहा है तो वैकेंसी तो आएगी ही, तो जो भी हो, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर की अब तक की बहुत बड़ी भर्ती होगी। जो भी छात्र इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि इस तरह के अवसर जीवन में बहुत ही कम मिलते हैं और इन अवसरों को भुनाने का पूरा प्रयास होना चाहिए। तो दोस्तों, जो छात्र भूगोल विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं भूगोल योद्धा एक्सप्रेस फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन कर रहा हूं। यहां पर आप देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ सेट स्लेट क्रेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सभी परीक्षाएं एक जैसी होती हैं। इन परीक्षाओं को दृष्टिकोण में रखते हुए मैंने एक टेस्ट सीरीज जिसका नाम है भूगोल योद्धा एक्सप्रेस फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसका आयोजन करने की योजना बनाई है। तो जो छात्र भूगोल विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर देना चाहते हैं वो इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं और ये टेस्ट सीरीज आपको भर्ती प्रक्रिया में चयन कराने में पूरी तरह से कारगर सिद्ध होगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। इसके बाद दोस्तों, जो छात्र पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भूगोल योद्धा एक्सप्रेस सेकेंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी। साथ ही साथ जो टीजीटी दे रहे हैं ज्योग्राफी से उनके लिए भूगोल योद्धा एक्सप्रेस थर्ड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। तो जो छात्र इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इन टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करेंगे। अभी टेस्ट सीरीज चालू नहीं हुई है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही चालू होगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, पीसीएस 2020 की प्री परीक्षा 11 को, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस परीक्षा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को करा रहा है और प्रदेश के 19 जिलों में केंद्र तय किए गए हैं। आयोग ने मंगलवार शाम वेबसाइट पर प्रवेश पत्र अपलोड कर दिया है, अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा की तारीखों में बदलाव करना पड़ा, अब यह परीक्षा 11 अक्टूबर शनिवार को होगी। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड है, इसे डाउनलोड किया जा सकता है। तो दोस्तों, पीसीएस की परीक्षा 11 अक्टूबर को हो रही है, जो भी छात्र पीसीएस परीक्षा में अभ्यर्थन किए हैं वो सभी परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और अपना सेंटर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, शिक्षकों ने बीएलओ बनने से किया इनकार, बैठक छोड़ी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पंचायत चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य शुरू होने से पहले मंगलवार को बीएलओ को स्टेशनरी बांटी गई। इस दौरान शिक्षकों ने बीएलओ ड्यूटी से इनकार कर दिया। मंगलवार को तहसील में कोंच और नंदीगांव ब्लॉक में बीएलओ की बैठक लेने अधिकारी पहुंचे, तभी शिक्षकों ने बैठक का बहिष्कार किया, बीएलओ ड्यूटी से इनकार कर चले गए। बाद में शिक्षकों ने एसडीएम अशोक कुमार को ज्ञापन दिया, इसमें कहा गया शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में
एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश जावेदी उस्मानी सहित तमाम आदेशों में यह कहा, यह साफ है कि कुछ जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य कार्यों में उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। इसमें बीएलओ ड्यूटी हटाई जाए। एसडीएम अशोक कुमार ने बताया कि शिक्षकों को लेकर जिला स्तर पर होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, पोलियो पिलाना हो तो शिक्षक, बीएलओ में ड्यूटी करना हो तो शिक्षक करें, शिक्षकों का काम सिर्फ पढ़ाना है। शिक्षकों को सरकार अवसर दे कि वो ईमानदारी के साथ अपना 100% छात्रों को दे सकें, शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान कर सकें, न कि बीएलओ की ड्यूटी में, क्योंकि बीएलओ की ड्यूटी लगाना उसमें छात्र हित के दृष्टि से अच्छा नहीं है, छात्रों का नुकसान होता है, टीचर ड्यूटी में चले जाते हैं, उस दिन क्लास नहीं होती है, तो ये बहुत ही बुरी बात है। इसके बाद दोस्तों, डीएलएड बीटीसी की सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम हुआ जारी। 30 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच होगी परीक्षाएं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन से अनुमति मिलते ही बीटीसी और डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 30 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच होंगी। घोषित कार्यक्रम में 1.72 लाख प्रशिक्षु डीएलएड 2019 दूसरे बैच से एवं 1.25 लाख प्रशिक्षु बीटीसी डीएलएड 2017-18 बैच के साथ दूसरी अन्य परीक्षाओं के हैं। बीटीसी डीएलएड परीक्षा कार्यक्रम, घोषित कार्यक्रम में बीटीसी 2013 सेवारत एवं 2014 2015 डीएलएड प्रशिक्षण 2017 एवं 2018 प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच तीन बैच में कराई जाएगी। अब वहीं पर यहाँ पर देख रहे हैं आप, बीटीसी प्रशिक्षण 2013 सेवारत उर्दू बीटीसी 2014 2015 एवं डीएलएड 2017 अवशेष 2018 तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 2 से 4 नवंबर के बीच होंगी। बीटीसी प्रशिक्षण 2013 सेवारत उर्दू बीटीसी 2014 2015 एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2017 2018 तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 2 से 4 नवंबर के बीच कराई जाएगी। बीटीसी 2013 सेवारत एवं 2014-15 डीएलएड प्रशिक्षण 2017 एवं 18 और शेष डीएलएड 2019 दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा 5 से 7 नवंबर के बीच होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों, सेमेस्टर जो डीएलएड एवं बीटीसी की सेमेस्टर परीक्षाएं हैं उनका कार्यक्रम जारी हो गया है और ये परीक्षाएं 30 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच संपन्न हो जाएंगी। तो आप लोग अपना परीक्षा कार्यक्रम देख लीजिए और इसी के अनुसार तैयारी करिए। इसके बाद दोस्तों, सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षक संविदा पर रखे जाएंगे। राज्य सरकार ने नए स्थापित चिकित्सा संस्थानों व विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को आचार्य के पद पर संविदा के आधार पर पुनर्नियोजित करने का फैसला किया है। इसके लिए तैयार प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। तो दोस्तों, ये युवाओं के लिए बहुत ही बुरी खबर है। जो शिक्षक, जो प्राचार्य अपने जीवन में 2,20,000 मंत्री का पैकेज पा चुके हैं, उनको हटा करके नए युवाओं को, नए लड़कों को इसमें अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा व्यवस्था में भी कुछ सुधार हो और उनको रोजगार के अवसर मिल सके। राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं में आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज से सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को आचार्य के पद पर संविदा के आधार पर पुनर्नियोजित किया जाएगा। प्रस्ताव में व्यवस्था की गई है कि ऐसे प्रोफेसर जो अधिवर्षता आयु पूरी कर सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें कंसल्टेंट प्रोफेसर के रूप में निर्धारित शर्तों व प्रतिबंधों के आधार पर 2,20,000 रुपये प्रतिमाह के नियत पारिश्रमिक पर पुनर्निवेदित किया जाएगा। कंसल्टेंट प्रोफेसर को संबंधित चिकित्सा संस्थान विश्वविद्यालय के निदेशक कुलपति की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा पुनर्नियोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे शिक्षक जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है, उनको 2,20,000 रुपये की सैलरी देने का कोई इम्पोर्टेंस नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो नए जो प्रतियोगी हैं उनका चयन होना चाहिए था, किंतु सरकार की मंशा क्या है इस पर तो बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पर 150 बिजली कर्मियों पर मुकदमा। भोंगवा चंगी चौकी इंचार्ज की तहरीर पर बगैर अनुमति के प्रदर्शन करने पर की गई कार्रवाई। सोमवार, ये प्रतापगढ़ से खबर है, सोमवार शाम निजीकरण के खिलाफ मशाल जुलूस निकालने के मामले में पुलिस ने 150 बिजली कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर भगवा चुंगी चौकी इंचार्ज की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। तो दोस्तों,
प्राइवेटाइजेशन का और निजीकरण का आप विरोध नहीं कर सकते क्योंकि सरकार आपको सीधे सीधे जेल में डाल देगी। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और भी क्या है। लोकतंत्र में व्यक्ति को अपनी आवाज़, अगर मान लीजिए वैसे तो इन लोगों ने अनुमति नहीं मांगी थी, फिर भी जो है शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, तो शांतिपूर्ण तरीके में सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए था। देश भर के तकनीकी संस्थानों में 6 अक्टूबर से दाखिला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को सभी को छोड़ सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में बीटेक में दाखिले की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। यह जानकारी मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक और केंद्रीय सीट एलोकेशन बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी ने मंगलवार को दी। तो जो भी तकनीकी संस्थान है उनमें 6 अक्टूबर से दाखिला शुरू होने जा रहा है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा शुरू। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर परीक्षा 2020 के उन परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट व इम्प्रूवमेंट की लिखित परीक्षा 3 अक्टूबर को होनी है जो इंटर में एक व हाई स्कूल में दो विषय में अनुत्तीर्ण है। ऐसे परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा शुरू हो गई है। इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 20 विषयों में होनी है। इसके लिए 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में आने वाले जिलों में 358 परीक्षार्थी हैं। यह परीक्षा बुधवार को भी जारी रहेगी। इसके बाद LIC में 25% हिस्सा बेच 2,00,000 करोड़ रुपए जुटाएगी सरकार। तो दोस्तों सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए अब LIC को भी बेचने की तैयारी पूरी कर ली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं COVID-19 महामारी से बढ़ते राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए सरकार LIC में 25% हिस्सा बेच सकती है। इसके लिए कानून बदलने पर मंथन चल रहा है। यह बिक्री किस्तों में की जाएगी और बाजार की स्थितियों को देखते हुए LIC की IPO उतारा जाएगा। बिक्री में सरकार को 2,00,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। तो सरकार का जो बेचो अभियान है ये पूरी तरह से बढ़ोत ही 180 की स्पीड में चल रहा है। अब देखते हैं सरकार क्या क्या बेचती है और क्या क्या बचा रखती है। AMU की पूर्व छात्रा डॉक्टर बुखारा को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। IIT कानपुर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर बुशरा अतीक। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा तथा IIT कानपुर में शिक्षक डॉक्टर बुशरा अतीक को विज्ञान के क्षेत्र में देश में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बुशरा अतीक को यह पुरस्कार आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। डॉक्टर बुशरा अतीक ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान में प्रोफेसर वसीम अहमद फरीदी की निगरानी में 1998-2003 के दौरान अपना शोध कार्य पूरा किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं AMU की पूर्व छात्रा डॉक्टर बुशरा को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।